नमस्कार, जयपुर सिटी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। बिटिया के घर गूंजेगी शहनाई। दौसा के लालसोट में दबंगों की दादागिरी की वजह से एक बिटिया की शादी में अड़चनें आ गई। दबंगों ने परिवार का रास्ता रोक दिया। इसके बाद परिवार के लोग जयपुर में न्याय की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने परिवार को लेकर सीधे मुख्य सचिव के पास पहुंचकर कार्रवाई की मांग की। इसके बाद कलेक्टर ने भरोसा दिलाया कि वो कल खुद बिटिया की शादी में मौजूद रहेंगे, साथ ही दबंगों पर कार्रवाई की जाएगी। रिपोर्ट आप देखिए। दौसा में दबंग गई जयपुर तक गूंज, किरोड़ी ने उठाई बिटिया की आवाज, कलेक्टर अब खुद करवाएंगे शादी। ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है। सोचिए, जिस घर में बिटिया की शहनाई की गूंज सुनाई देनी चाहिए, वहां परिवार में खामोशी पसरी है। जिस परिवार को दौसा के लालसोट में अपनी बिटिया की शादी की तैयारी में व्यस्त रहना चाहिए, वो जयपुर में न्याय की मांग को लेकर गांधी प्रतिमा के सामने धरने पर बैठा मिला। बिटिया की शादी में रोड़ा बने कुछ दबंगों ने परिवार का रास्ता रोक दिया। शादी में खलल डालने की पूरी कोशिश की तो परिवार दबंगों पर कार्रवाई और बिटिया की शादी किसी तरह हो जाए न्याय मांगने के लिए जयपुर तक पहुँच गया। रास्ता बंद है, ना तो मंडप लगने दे रहे, ना टेंट की व्यवस्था होने दे रहे, हलवाई नहीं चल रहे, कल फेरी हो जाएंगे, हम क्या करेंगे वहाँ पे। जैसे ही इसकी खबर बीजेपी के राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा को लगी, किरोड़ीलाल मीणा परिवार को लेकर सीधे सचिवालय पहुंच गए। सचिवालय में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने पीड़ित परिवार के साथ मुख्य सचिव से मुलाकात की। दबंगों पर पीड़ित परिवार की बेटी का ब्याह नहीं होने देने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई के लिए कहा। मुख्य सचिव ने फौरन ही मामले में उचित कार्रवाई का भरोसा दिया। मुख्य सचिव के दफ्तर से दौसा कलेक्टर के पास फोन गया तो कलेक्टर साहब ने फौरन ही डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को फोन लगा दिया और वादा किया कि वो कल वो खुद मौके पर रहकर बिटिया की शादी करवाएंगे। मैं इनके साथ दौसा गया था, एसपी कलेक्टर साहब को बैठा के इनकी चर्चा कराई थी, वो कन्विंस थे। उन्होंने सबॉर्डिनेट अधिकारी को कहा था, लेकिन आप जानते हो जैसा तंत्र चल रहा है, जैसा राजनीतिक दबाव में, वहाँ राजनीतिक दबाव के कारण ये समस्या खड़ी हुई है जैसा ये कह रहे हैं, और वो दबंगों का इतना मनोबल बढ़ा हुआ है कि इनको शादी नहीं करने दे रहे। फिर जब इनको रात को धमकाया तो ये मेरे पास फिर आ गए। मैं सबसे उच्च जो अधिकारी है चीफ सेक्रेटरी महोदय, उनसे मिल लिया और उन्होंने मदद की, इसके लिए मैं आभार प्रदर्शन करना चाहता हूँ। रामगढ़ पचवारा के चांदावास में अब कल बिटिया की शहनाई गूंजेगी। किरोड़ी मीणा के प्रयास से भले ही एक बिटिया की शादी की रुकावटें टल गई हैं, लेकिन एक सवाल जरूर उठता है कि क्या दबंगों के आगे पुलिस प्रशासन ने सरेंडर कर दिया। अगर दौसा में ही दबंगों पर कार्रवाई हो जाती तो पीड़ित परिवार को जयपुर आकर गुहार नहीं लगानी पड़ती। शशि मोहन शर्मा, जी मीडिया, जयपुर।